खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। मेजर केतन का ही परिवार नहीं बल्कि पूरा देश आतंक का सर्वनाश चाहता है और आतंक के सर्वनाश के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी प्लानिंग तैयार कर ली है। आपको बता दें, गृह मंत्री बनने के बाद 30 जून को पहली बार अमित शाह का कार्यक्रम है जम्मू कश्मीर जाने का। वहां जाकर के कैसे होगा आतंक का सर्वनाश और उसका खाका तैयार, देखिए इस रिपोर्ट में। बहुत बड़ी खबर हमारे संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी को लगी है। ये तस्वीरें जैश ए मोहम्मद के उस कमांडर सज्जाद की हैं जिसे सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। सज्जाद के साथ ही उसका एक साथी तौसीफ भी मारा गया। सज्जाद वही आतंकी है जिसने फरवरी महीने में हुए पुलवामा हमले के लिए अपनी गाड़ी दी थी। कल भी इसने जवानों की गाड़ी को निशाना बनाने की साजिश रची थी, लेकिन आज खुद ही मारा गया। और इसी तरह से घाटी में अब चुन चुन कर देश के दुश्मन मारे जाएंगे। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने घाटी से आतंकियों के सर्वनाश की जो स्क्रिप्ट लिखी है, उसके बाद कोई आतंकी आंख उठाने लायक नहीं बचेगा। असल में घाटी में सही सलामत घूम रहे अलगाववादियों के संरक्षण की वजह से ये आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन अमित शाह ने इनके खिलाफ जो चक्रव्यूह तैयार किया है उसमें ना तो आतंकी बचेंगे और ना ही उन्हें संरक्षण देने वाले अलगाववादी। गृह मंत्रालय ने हुर्रियत और अलगाववादी नेताओं का पूरा खाका तैयार कर लिया है। किसके किससे संबंध है, इनकी एक्टिविटी क्या है, इसका पूरा चिट्ठा अब सरकार और केंद्रीय जांच एजेंसियों के पास मौजूद है। इनका दारोगे अपने ही अब सरकारी गवाह बनने वाले हैं, खासकर ऐसे लोग जो किसी मजबूरी में इनका साथ दे रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह 30 जून को पहली बार श्रीनगर के दौरे पर जा रहे हैं और एबीपी न्यूज को पुख्ता जानकारी मिली है कि अमित शाह सुरक्षा को लेकर ऑन स्पॉट रिव्यू मीटिंग करेंगे। इस मीटिंग में अमरनाथ यात्रा की तैयारी की चर्चा होगी। खबर मिली है कि अमित शाह कुछ नए निर्देश भी जारी करेंगे। अमित शाह ने आतंक के खात्मे के लिए पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने का प्लान बनाया है। इसके पहले चरण में उन लोगों की भी कुंडली खंगाली जा रही है जो आतंकी वारदात के लिए पैसों के लेन देन में शामिल है। जम्मू कश्मीर बैंक के अनेकों खाते जांच के दायरे में है। संदिग्ध खातों की KYC पूरी नहीं है। कई ऐसे लोगों के नाम पर क्रेडिट कार्ड जारी है जिनके बारे में बैंकों की फाइल में जानकारी नहीं है। अनेक ऐसे खातों का ब्यौरा सरकार को मिला है जिसमें जरूरत से ज्यादा पैसे हैं, लेकिन स्रोत का अता पता नहीं है। माना जाता है कि इन पैसों से घाटी में आतंकी बनाए जाते हैं, आतंकियों की ट्रेनिंग और आतंक की प्लानिंग की जाती है, आतंक के लिए हथियार खरीदे जाते हैं, पत्थर चलाने वालों को फंड दिया जाता है। लिहाजा अमित शाह का पहला टारगेट आतंकी फंडिंग की कमर तोड़ने का है। गृह मंत्रालय के एक आला अधिकारी के मुताबिक दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद अलगाववादी जहर बटाली से फंड लिस्ट दिखाकर जानकारी मांगी गई। टेरर फंडिंग की लिस्ट में गिलानी, आसिया और अंद्राबी समेत कई चर्चित लोगों के नाम हैं। सरकार के पास बाकायदा हुर्रियत और अलगाववादियों के खातों का पूरा ब्यौरा है कि किसके पास कहां से कितने पैसे कब आए। अमित शाह ने कश्मीर से संबंधित तमाम एजेंसियों से कश्मीर का पूरा ब्यौरा तलब किया है। एबीपी न्यूज को जानकारी मिली है कि कश्मीर मामलों के लिए जल्द ही एक नए अधिकारी की नियुक्ति भी हो सकती है। साथ ही कश्मीर में जो लोग न्याय का साथ दे रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। अलगाववादी नेताओं और गठजोड़ का खुलासा करने वालों के लिए एक गुप्त कोड तैयार किया गया है। ये कोड वर्ड दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों के नाम पर है। मसलन एक गवाह का नाम चार्ली है जो दिल्ली पुलिस के सेंट्रल जिले के DCP का वायरलेस कोड साइन है। एक अहम गवाह का कोड वर्ड गामा है जो DCP द्वारका का कोड साइन है। ऐसे ही अल्फा रोमियो हैरी पॉटर 3X नाम से कोड तैयार किया गया है। कोड वर्ड तैयार करने का मकसद
गवाह के नाम और पते का गुप्त रखना है, जिसके चलते कश्मीर में आतंकी और उनसे जुड़े लोग उन्हें निशाना ना बना सके। टेरर फंडिंग मामले में जांच एजेंसियों ने गृह मंत्रालय को बताया है कि हुर्रियत लीडर अपने पाक हैंडलर्स के कहने पर संगठित तरीके से अपना नेटवर्क चला रहे थे, जो गांव से होता हुआ ब्लॉक और फिर जिला लेवल तक फैला हुआ था। यही कारण है कि कश्मीर में आतंकवादियों को आसानी से सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। आपस में ये लोग ईमेल अकाउंट, व्हाट्सएप, फेसबुक प्रोफाइल और वेबसाइट से बात करते थे। हुर्रियत नेताओं की ये बातचीत आतंकवादियों के साथ साथ पाकिस्तानी एजेंसियों से भी की जाती थी। अमित शाह ने अपने मिशन कश्मीर के तहत राज्य की पंचायती राज व्यवस्था को और मजबूत करने की प्लानिंग की है। पंचायत को अब पहले से ज्यादा अधिकार दिए जाएंगे। जो अधिकार अभी तक स्टेट के पास थे, वो अधिकार सीधे पंचायत को दिए जाएंगे, ताकि ग्राउंड लेवल पर पैसों के लिए आतंकी घाटी के भोले भाले लोगों को गुमराह न कर सकें।